92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज ऋचा अनिरुद्ध के साथ। दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और आज भी ये त्योहार हमको याद दिलाता है कि समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना हम सब की जिम्मेदारी भी है और सच्चा धर्म भी। नमस्कार, बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज बिग हीरोज में मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रही हूं। ऐसी सच्ची कहानियां जिनके किरदार एक मिसाल हैं इस बात के कि कैसे हम बेटियों को कमजोर समझने वाली सोच को खत्म करके समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपनी बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार और आजादी देकर उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहली कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव टेकापार की, जहां के बड़े बुजुर्गों ने कुछ साल पहले ये ऐतिहासिक फैसला लिया कि गांव की रामलीला अब बेटियां करेंगी। और दूसरी कहानी है वाराणसी के पाणिनी कन्या महाविद्यालय की, जहां बेटियों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देकर उनको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर बनाया जाता है। पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के टेकापार गांव की बच्चियों की रामलीला की, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस रामलीला के कोऑर्डिनेटर पवन कुमार यादव जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो इस गांव में 70 साल से रामलीला हो रही थी, लेकिन उसमें लड़के हिस्सा लिया करते थे। तो पवन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। सबसे पहले तो यही सवाल है कि जब लड़कों की रामलीला चल रही थी तो फिर लड़कियों की रामलीला की शुरुआत कब और कैसे हुई? हमारे गाँव में रामलीला का मंचन विगत 70 वर्षों से हमारे बुजुर्गों द्वारा संचालित हो रहा है। रामलीला की विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने का काम गांव वाले करते आ रहे हैं, लेकिन यह संस्कृति गांव में समाप्त होने के कगार पर था। टेकापार में भी रामलीला के प्रति रुचि समाप्त हो रही थी। एक समय ऐसा आया था कि अभिनय करने के लिए पात्र तैयार नहीं हो रहे थे। तब मैंने सोचा कि इस देश की परंपरा को बचाने के लिए बेटियों को आगे लाया जाए। 2014 से लगातार बेटियों के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है और हमारी बेटियां इस क्षेत्र में अच्छा काम करके देश की संस्कृति को बचाते हुए विगत 6-7 वर्षों से भाग ले रही है और देश की महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ा बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कार्य करते हुए बेटियों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो जब बेटियों को आपने मंच पर उतारने का सोचा और हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गांव में थोड़ी पुरानी सोच होगी, तो किसी तरह की दिक्कत हुई आपको लोगों को समझाने में? मुझे गाँव में रामलीला शुरू करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि रामलीला विगत 70 वर्ष से संचालित है। कई पीढ़ी के लोग इसमें काम कर चुके हैं, गांव के लोग शिक्षित भी हैं, इसलिए सोच भी पुराना नहीं है। हाँ, कुछ पुराने विचारधारा के लोगों की मान्यता थी कि यह कार्य लड़कियों के लिए नहीं है। उन लोगों को समझाया गया, फिर सभी लोग तैयार हो गए जी। तो पवन जी, रिस्पांस कैसा मिला आपको जब आपने ये फैसला किया और ये रामलीला शुरू की, बेटियों की रामलीला? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। शुरू शुरू में हमें संघर्ष जरूर करना पड़ा। लड़कों में अभिरुचि की कमी के वजह से लड़कियों को मौका दिया गया। ग्राम के बुजुर्गों का सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला। इस आयोजन के लिए बहुत बड़ी धन की आवश्यकता भी होती है, जिसकी पूर्ति ग्राम के निवासियों द्वारा आर्थिक सहयोग चंदा लेकर करते हैं। ग्राम वासियों का सहयोग सराहनीय रहा, जिसके सकारात्मक सहयोग से हमारी बेटियां महत्वपूर्ण काम करती आ रही है। और बच्चियों को तैयार करना कितना मुश्किल रहा? बच्चियों को तैयार करना उतना मुश्किल का कार्य नहीं रहा। बच्चियां बहुत उत्साहित रहती थी, हमेशा इस कार्य के लिए तैयार रहती थी। रिहर्सल में भी आसानी से उपस्थित हो जाती थी, मेकअप वगैरह वे स्वयं कर लेती थी। बेटियों में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिला, वे स्वस्फूर्त अपनी बेटियों को रिहर्सल के लिए भेजते रहे। जी पवन जी, इतना बढ़िया आपने काम किया है। वाकई हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, और ये शुरुआत एक गांव से होना कि सिर्फ बच्चियों की रामलीला, एक बेटी ही राम बने, बेटी ही रावण हनुमान अंगद सारे किरदार करे, पूरे देश के लोगों को, आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सब महिलाओं के प्रति पुरानी सोच को बदलें। आज बेटियां हर काम कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। आवश्यकता है
सिर्फ उन पर भरोसा करने का मौका देने का। जब पूरे देश में इस प्रकार समान अवसर मिलेगा तो महिलाएं भी हर क्षेत्र में नाम रोशन कर देश के विकास में सहयोगी बनेगी। चलिए, इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी शुरुआत करने के लिए पवन जी आपको हमारा सलाम। और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी दिव्या यादव, जो कि इस रामलीला में राम का रोल करती हैं, और संस्कृति यादव, जो कि इस रामलीला में रावण का रोल करती हैं। जरूर सुनिएगा, बड़ी प्यारी बातें करती हैं बच्चियां। सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज ऋचा अनिरुद्ध के साथ।